तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन स्टूडियो इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में बात कर रहे हैं यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 पर। लगातार आप सभी के कुछ डाउट्स बने हुए हैं डीएलएड एडमिशन के संदर्भ में। हर रोज का सिलसिला अगर हम आपके बीच में बताएं तो पर डे सिर्फ दो वीडियो प्रोवाइड करते हैं, और उस दो वीडियो के माध्यम से जितने भी डाउट्स आपके बने रहते हैं प्रत्येक डाउट्स आपका क्लियर हो जाता है। तो आज यहां देख सकते हैं थंबनेल पर कुछ चीजों को हमने लिख रखा है, बाकी कुछ ऑफिशियल नोटिस का जिक्र इस वीडियो में हम करने वाले हैं। जैसा कि यहां देख सकते हैं यूपी डीएलएड एडमिशन 2024, यहां आप रैंक कार्ड के संदर्भ में हमसे पूछ रहे हैं कि भैया आखिरकार हम लोगों की जो रैंक कार्ड है वो कब आएगा। ठीक है, रैंक कार्ड का मतलब आपको पता है, जो आपकी स्टेट रैंक जारी की जाएगी परीक्षा नामक प्राधिकारी की तरफ से, यानी जितने लोग लगभग 3,84,000, ठीक है, 3,84,000 लोग आवेदन किए हुए, और आपके यहाँ टोटल सीटें कितनी है, 2,33,350 टोटल सीटें हैं। ठीक है, इतने सीटों पर इतने लोगों का एडमिशन होना है। अब जाहिर सी बात है सवाल आपके मन में लगातार उठ रहे हैं, ठीक है, अभी इस पर हम आपसे बात करते हैं। ठीक है, रैंक के हिसाब से आपको एडमिशन मिलेगा, जिनकी रैंक बहुत ज्यादा होगी, कुछ तो वैसे भी बाहर हो जाएंगे, ठीक है, जिनकी रैंक भाई ज्यादा होगी। अभी आप ये जरूर आप जानना चाहेंगे, अधिकतर जो स्टूडेंट हैं जिनकी मेरिट भैया किसी की 150 बन रही है, ठीक है, किसी की 160 बन रही है, किसी की 145 ही बन रही है, तो ये सब लोग मेरे पास मैसेज करते हैं कि क्या हमारा एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बिल्कुल हम आपको बताएंगे, ठीक है, संभावनाएं क्या है, जिनकी मेरिट भैया बहुत कम है, ठीक है, उनके साथ क्या कुछ हो सकता है। आगे देखिएगा जो है एक सबसे प्रमुख मुद्दा जो है, आप समय रहते हुए आवेदन नहीं कर पाए हैं, आवेदन की डेट अब समाप्त हो चुकी है। आप डिमांड कर रहे हैं कि लगातार भैया डेट को किसी तरह से बढ़वाया जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, अब तो आपकी डेट नहीं बढ़ेगी। अब जब डेट नहीं बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है आप आवेदन नहीं कर पाएंगे, और अगर आवेदन नहीं कर पाएंगे तो आपका एडमिशन नहीं होगा। लेकिन एक रास्ता आपके पास होता है कि चलिए अगर आप आवेदन नहीं करते हैं तो ऐसे केसेस में भी आपका एडमिशन होता है, लेकिन वहां पर क्या कुछ दरकरार होती है, क्या कुछ बाउंडेशन होती है, क्या कुछ सीमाएं होती हैं आपको पार करना होगा, उसके बारे में हम आपको बताएंगे, जो कि पीएनपी की ऑफिशियल नोटिस से वो चीजें ली गई हैं, बिल्कुल ऑफिशियली तौर पर हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, डायरेक्ट एडमिशन के बारे में हमसे पूछ रहे हैं कि क्या डायरेक्ट एडमिशन होगा या नहीं होगा, और यहां देख सकते हैं माइनॉरिटी कॉलेज, ठीक है, माइनॉरिटी कॉलेज के बारे में और बिना आवेदन, इन दोनों को आपस में हम कोरिलेट करते हुए इस फीस की प्रक्रिया पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, यहां डायरेक्ट एडमिशन तो होता है जो आवेदन किए हुए हैं सिर्फ उन्हीं का होगा, ठीक है, लेकिन यहां माइनॉरिटी कॉलेज, इसी को हम भैया कहते हैं क्या, अल्पसंख्यक कॉलेज लिख लीजिएगा, ठीक है, अल्प संख्यक कॉलेज इसी को कहते हैं, ठीक है, माइनॉरिटी कॉलेज को हम अल्पसंख्यक कॉलेज कहते हैं। अब माइनॉरिटी कॉलेज और बिना आवेदन के एडमिशन का जो फीस स्ट्रक्चर है वो क्या होने वाला है, ठीक है, और आगे देख सकते हैं हम आपको बताएंगे डायट व प्राइवेट में अंतर। हर किसी का सपना होता है कि चलिए अगर हम करेंगे तो डायट से ही करेंगे। अब इतने आवेदन तो आपके बीच में आए हुए, 3,84,000 आवेदन आए हैं, लेकिन इनमें से इतने अभ्यर्थी ऐसे होंगे कि अगर हमको डायट मिलेगा तब वे करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब कुछ इसमें से बीएड वाले भी होंगे जो डीएलएड करने के लिए अप्लाई कर दिए होंगे, क्योंकि बीएड करने के बाद डीएलएड में तो स्कॉलरशिप आएगी नहीं, है ना, उन्होंने सोचा होगा कि चलिए अगर हमको डायट मिल जाता है कहीं किसी भी डायट से हम डीएलएड कर लेंगे, और अगर नहीं मिलता है तो जाहिर सी बात है हम जो है जो बीएड किया वही किए रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे में कुछ लोग तो बाहर हो जाएंगे। ठीक है, और यहां यार एक चीज आप हमसे पूछ रहे हैं भैया 2030 के बाद डीएलएड समाप्त को लेकर, ठीक है, ये सबसे ज्यादा मुद्दा हमारा बना हुआ है सोशल मीडिया पर, लोग तमाम तरह की भ्रांतियां आपके बीच में फैला रहे हैं, लेकिन मैं आपसे लगातार आपको आगाह करने का प्रयास कर रहा हूं कि कतई आप उनके चक्कर में मत पड़िए। ठीक है, अब मुझे आप बताओ कि क्या 2030 के बाद डीएलएड का कोई अस्तित्व तो समाप्त होगा, क्या ये पॉसिबल है। अब एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, पिछले कई वर्षों से, ठीक है, पिछले अभी 1998 के पहले ये डीएलएड हुआ करता था इंटर पास, ठीक है, लेकिन उसके बाद परिवर्तन होकर आया, तो 2017 के पहले जो है, 2017 के पहले इसका नाम बीटीसी था, लेकिन 2017 के बाद इसका नाम बदल करके डीएलएड किया गया, तो क्या बीटीसी जो परिवर्तन हुआ, क्या बीटीसी और डीएलएड में कुछ अंतर देखा, कोई अंतर नहीं देखा, बस नाम चेंज कर दिया गया,
क्या बीटीसी जो किए हुए 2017 से पहले बैच के, ठीक है, क्या उनकी वैल्यू समाप्त हो गई है, क्या वो नौकरी नहीं पा रहे हैं, पा रहे हैं, ठीक है। वैल्यू किसी भी डिग्री की समाप्त नहीं होती है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको लोग बरगला रहे हैं कि आप डीएलएड मत करिए, है ना। तो बिल्कुल मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि हो सकता है कि 2030 के बाद नाम परिवर्तन कर दिया जाए, ये अलग का मामला है, लेकिन किसी भी डिग्री की कभी वैल्यू कम नहीं होगी, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, एक नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर ऐसा होता तो भैया मुझे बताओ 2024 में यार डीएलएड करने जा रहे हैं, 24 तो 26 तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे बताओ 4 साल में पता नहीं भर्ती आए कि ना आए, है ना, और डिग्री की वैल्यू समाप्त हो जाए, ये तो सरेआम गलत है, ठीक है, ये कभी संभव नहीं हो सकता। इसलिए आप किसी की बातों पर विश्वास मत करिए, अगर आपको डीएलएड करना है तो बिल्कुल आप स्वेच्छा से कर लीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। चलिएगा, ये तो हो गया, बाकी और भी आपके कुछ कंफ्यूजन है अभी हम आपको बता रहे हैं डायरेक्ट और प्राइवेट में अंतर में। तो सबसे पहले आप माइनॉरिटी कॉलेज के बारे में देख लीजिए, और माइनॉरिटी कॉलेज और बिना आवेदन, यहाँ देख सकते हैं मैंने तीर के माध्यम से इनको दर्शा रखा है, ठीक है, आप इस चीज को भाई ध्यान से देख लीजिएगा। आप हमसे लगातार मैसेज कर रहे हैं कि भैया बिना आवेदन का एडमिशन कैसे होगा, ठीक है, क्या ये सही है कि गलत है। तो हमारी जो ऑफिशियल नोटिस है वो क्या कह रही है, यहाँ देख सकते हैं हमने इन्हें तीर के माध्यम से बिल्कुल यहाँ फीस प्रक्रिया को दर्शा रखा है। देखिएगा, यहाँ सबसे ऊपर आपके बीच में दिया जा रहा है, पढ़िएगा एक एक चीजों को आप पढ़ते हुए चलिएगा ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए, ठीक है। सबसे ऊपर कहा जा रहा अल्पसंख्यक संस्थान जिसे हम माइनॉरिटी कॉलेज कहते हैं, ठीक भैया, कहा जा रहा है कि एनसीटी डीएलएड में बीटीसी प्रशिक्षण है तो मान्यता प्राप्त राज्य सरकार संबद्धता प्राप्त ऐसे निजी संस्थान जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक संस्थान घोषित किया गया, उन अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा आवंटित सीटों पर एनसीटी द्वारा आवंटित सीट संख्या, ठीक है, 50% सीट, थोड़ा सा इसे देख लेते हैं, अच्छा थोड़ा सा अब सही हो गया, ठीक है, चलेगा। यहां कहा जा रहा है 50% सीट, एक सेकंड, 50% सीटों पर शासनादेश संख्या इतना 10/6/2015 तथा यथा संशोधित शासनादेश संख्या इतना जो है समय समय पर निर्गत शासनादेश संख्या निर्देशों के अनुसार 50% सीटों पर अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा स्वयं प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी। यानी इस चीज को ऊपर आप छोड़ दीजिए, आप समझ नहीं पाए होंगे, यहां सिर्फ यही कहा जा रहा है कि जितने भी अल्पसंख्यक संस्थान है, ठीक है, उसे एनसीटीए द्वारा मान्यता दिया गया है और यहां पर 50% सीटें जो कि मैं आपको लगातार बता भी रहा हूं, ठीक है भैया, अगर आप इनके यहां 100 सीटें हैं, ये अल्पसंख्यक संस्थान है, तो 50 सीटें जो है ये परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी पीएनपी के द्वारा भरी जाएंगे और ये 50% सीटें जो होंगी वो आपके मैनेजर यानी मैनेजमेंट कोटे से भरी जाएंगे। ये बिल्कुल अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, कोई आवेदन किया है या नहीं किया तब भी उनका एडमिशन आप ले सकते हैं, ठीक है, चलिएगा। आगे कहा जाए अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा 50% सीटों पर स्वयं जो है प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी तथा प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाएंगे जिसके संबंध में 3 प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा किया जाएगा। अभी इनका नहीं किया जाएगा, ठीक है, अगर आप आवेदन नहीं किए होंगे तो बाद में इनका ऑनलाइन आवेदन होता है वो आप करवा सकते हैं, ठीक है, अभी से उनको भाई डाटा वगैरह अपना दे दीजिए, जब होगा तो वो अपना स्वयं कर लेंगे, ठीक है। बाकी फीस के बारे में अभी हम आपको बता रहे हैं। काजर अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा प्रवेश की कार्यवाही प्रदेश के डीएलएड प्रशिक्षण सत्र हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुसार ही संपादित की जाएगी तथा अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा प्रवेश के लिए जो है लिए गए का प्रशिक्षण भी प्रदेश के डायट व निजी संस्थानों द्वारा प्रवेशित जो है समस्त अभ्यर्थियों के साथ ही प्रारंभ होगा। निर्धारित तिथि के उपरांत अल्पसंख्यक संस्थानों को प्रवेश हेतु कोई भी अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। मैंने अभी आपको बताया जो है इसके भाई अगर आपको करना होगा, ठीक है, तो आप किसी भी अल्पसंख्यक संस्थान से संपर्क कर लीजिए, अगर आप आवेदन नहीं किए होंगे, ठीक है, उनसे आप संपर्क कर लेंगे तो वो सारी चीजें आपको खुद ब खुद बता देंगे भैया अब यहाँ प्रोसेस शुरू हो रहा है, ठीक है। कहा जाए अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा डीएलएड प्रशिक्षण हेतु जो है प्रवेश चयन एनसीटी द्वारा संबंधित संस्थानों को आवंटित सीटों के सापेक्ष 50% सीटों पर मेरिट के अनुसार किया जाएगा तथा प्रवेश में जो है मेरिट को इग्नोर नहीं किया जाएगा। यहाँ भी मेरिट की बाउंडेशन होगी, ठीक है, आप अगर अधिकतर मेरिट वाले हैं तो वरीयता आपको ही मिलेगी। आगे कहा जाए अल्पसंख्यक संस्थानों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। अभ्यर्थियों द्वारा जो है प्रेषित आवेदन पत्र में योग के आधार पर गुणांक तथा आग्रहण करते हुए श्रेष्ठता सूची तैयार की जाएगी। मेरिट में वरीयता क्रम में अल्पसंख्यक
समुदाय के अहर अभ्यर्थियों को जो है अधिमानता प्रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए चयन की कार्यवाही की जाएगी। अगर आप जो है जनरल कैंडिडेट हैं, ओबीसी हैं, ठीक है, एससी हैं और एसटी हैं, अगर आपके आपसे पहले आपसे कम मेरिट में, हम मानते हैं कि आपका टोटल 160 बन रहा है, ठीक है, और कोई अल्पसंख्यक व्यक्ति अगर 150 मेरिट लेकर आ रहा है तो सबसे पहले वरीयता अल्पसंख्यक वाले को ही मिलेगी, क्योंकि अल्पसंख्यक संस्थान है। एडमिशन आपका भी होगा लेकिन सीट इनके यहां होनी चाहिए, ठीक है। कहा जा रहा है आगे देखिएगा, चयन में किसी भी प्रकार की अनियमितता ना हो इस पर पारदर्शी प्रक्रिया तथा प्रचलित नियमों का पालन किया जाएगा। इस हेतु अल्पसंख्यक संस्थान द्वारा एक प्रवेश समिति बनाई जाएगी जिसमें प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, संबंधित जनपद द्वारा निर्दिष्ट एक प्रतिनिधि भी सम्मिलित किया जाएगा। आगे देखिएगा, अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के उपरांत अल्पसंख्यक कोटे के अंतर्गत प्रवेश लिए गए अभ्यर्थियों का विवरण निर्दिष्ट वेबसाइट पर जो है कराए जाएंगे लॉगिन पासवर्ड के माध्यम से। यानी यहाँ चीजों को आपने देख लिया, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, कहा जा रहा है कार्यालय सचिव परीक्षा नामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति के क्रम में अल्पसंख्यक कोटे के अंतर्गत प्रवेश लिए गए अभ्यर्थियों की सूचना जो है निर्धारित अवधि तक अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा विभागीय वेबसाइट पर फीड किए जाने के उपरांत प्रवेश की सूची तो है निर्गत अभिलेख जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान समक्ष मिलान हेतु प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है। डायट द्वारा प्रवेश के विवरण संगत अभिलेख का मिलान के उपरांत जो है डायट के लॉगिन से अल्पसंख्यक संस्थान में प्रवेश अप्रूव कर मान्य किया जाएगा, ठीक है। आगे हम आपको और दिखाएंगे, बाकी यहां देख सकते हैं सिम वही चीजें दी गई हैं, ठीक है। और देखिएगा, यहां देखिएगा ऊपर की चीजें आप छोड़ दीजिए, ठीक है। अगर आपका भाई अप्रूव नहीं किया जाता है तो आपने एडमिशन लिया वो निरस्त कर दिया जाएगा, ऊपर वही कहा जा रहा है। अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक लिए गए प्रवेश की सूचना वेबसाइट पर फीड किए बिना यदि किसी अभ्यर्थी का प्रवेश जो है प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है तब संबंधित शिकायत सूचना प्राप्त होने होने अथवा लिए गए प्रवेश के संबंध में अनियमितता शिकायत प्राप्त होने पर अल्पसंख्यक संस्थान के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। आगे कहा जा रहा है ये इन चीजों को छोड़िए, परीक्षा पाठ्यक्रम परीक्षा अवधि पद्धति को स्वीकार करते हुए तदनुसार प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। यहाँ भी सेम वही चीजें हैं। लास्ट में देख लीजिएगा, जो है अल्पसंख्यक संस्थान में प्रवेश लिए जाने हेतु अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता, आयु, अन्य मानक उत्तर प्रदेश शासन द्वारा डीएलएड प्रशिक्षण हेतु निर्गत शासनादेश को निर्धारित मानक के अनुसार ही मान्य होंगे। साथ ही अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा कार्यालय सचिव परीक्षा नामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा चयन एवं प्रशिक्षण के संबंध में समय समय पर निर्देश का अनुपालन करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भैया आपने देख लिया अल्पसंख्यक संस्थान के बारे में मैंने सारी चीजें आपको बता दी है, ठीक है। इसे हम कहते हैं माइनॉरिटी कॉलेज, अगर आपको लेना होगा तो आप कहीं भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। सेम प्रक्रिया जैसे आपकी और भी कॉलेजों की चलती है वैसे प्रक्रिया इनकी भी चलती है, यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं। जब परीक्षाएं उनकी होंगी तभी परीक्षाएं आपकी भी होंगी, ठीक है। आगे हम आप बात करते हैं बिना आवेदन के, भाई माइनॉरिटी और बिना आवेदन इन चीजों को आपने समझ लिया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट एडमिशन को अगर हम बात करें तो डायरेक्ट एडमिशन सिर्फ उन्हीं का होगा जिन्होंने आवेदन किया है, बाकी विदाउट आवेदन का डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा। और ध्यान दीजिएगा भैया, आप इनका चक्कर अब की बार छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि सत्र काफी विलंब से चल रहा है, उम्मीद नहीं है कि डायरेक्ट एडमिशन होगा, ठीक है। डायरेक्ट एडमिशन अगर होता है तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में काउंसलिंग प्रक्रिया आपकी 17 तारीख से शुरू हो रही है, ठीक है। 17 तारीख से आप काउंसलिंग प्रक्रिया करा लीजिएगा, अन्यथा की स्थिति में हो सकता है अगर इनके चक्कर में आप पड़े मामला आपका असड्ढल में पड़ जाएगा, ठीक है। हम बात करते हैं रैंक कार्ड का, रैंक कार्ड आपका 16 तारीख को आएगा। रैंक कार्ड वही होता है जिसे हम स्ट्रीट रैंक बोलते हैं, आपको बताया जाएगा कि आपकी मेरिट इतने नंबर पर आई है और आप इस डेट में, ठीक है, पीएनपी की तरफ से एक नोटिस आएगी जिसमें ये आपका पूरा शेड्यूल बताया जाएगा कि एक से जो है 20,000 रैंक तक या 40,000 जैसा भी ये रैंक कार्ड अपना बनाएंगे, ठीक है, वो आपको बताएंगे, उसी हिसाब से आपको अपनी काउंसलिंग भी करानी होगी, ठीक है। तो बाकी उम्मीद करते हैं कि सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। हम बात करेंगे लास्ट में डायट व प्राइवेट में अंतर, कोई अंतर नहीं होता, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आप डायट से कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा आपको जो है यूपीटेट नहीं देना होगा, ठीक है। और अगर आप प्राइवेट से कर रहे हैं, भैया देखिएगा, अगर आप डायट से कर रहे हैं तब वो आपको यूपीटेट देना होगा, प्राइवेट से कर रहे हैं तब वो आपको यूपीटेट देना होगा। थोड़ा सा फर्क यही पड़ता है कि इनकी जो फीस होती है वो बिल्कुल नॉर्मल होती है 10,200 रुपए, ठीक है, और इनकी फीस थोड़ी सी कॉस्टली होती है जो है 41,000 रुपए, ठीक है। अब
ऐसा तो है नहीं, हम अपने यहाँ 50,000 में, ये 41,000 रुपए एक साल की फीस में बता रहा हूँ, ठीक है। अगर हम दोनों साल की बात करें तो 82,000 रुपए, बहुत सारे कॉलेज लगभग 1,00,000 रुपए दोनों साल में आपको पहुंचा देते हैं, लेकिन हम आपको एडमिशन दे रहे हैं 50,000 में विद कंप्लीट, ठीक है। कहाँ होगा आपका? फिरोजाबाद में होगा, ठीक है। कहाँ आपका? फिरोजाबाद में होगा। अगर आपको जरूरत होगी फिरोजाबाद में एडमिशन की, ठीक है, तो आप हमसे संपर्क जरूर करिएगा। आप नंबर नोट कर सकते हैं, मैं नंबर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। और देखिएगा, नंबर आप लिख लीजिए 94-52-33-10-53, ठीक है। ये देखिएगा, थोड़ा सा इसे हम इरेज कर देते हैं, एक सेकेंड, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 94-52, ठीक है, ये नंबर है, आप नोट कर लीजिएगा, है ना। अगर आपको एडमिशन चाहिएगा तो बिल्कुल आप संपर्क करिएगा, आपको कहीं किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। और चीजों के बारे में विस्तृत अगर एडमिशन के बारे में जानना है तब भी आप संपर्क कर सकते हैं। और अगर मेरे यहाँ एडमिशन आपको भैया लेना है तो आप अपना जो है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपके आवेदन की स्लिप मैं अभी ले रहा हूँ, ठीक है। फीस मुझे अभी नहीं चाहिए, जब आपका एडमिशन होगा तो उस वक्त आप मुझे अपनी फीस दीजिएगा, ठीक है। मैं अपनी फीस वो फीस आपसे लेता भी नहीं, आपके डायरेक्ट कॉलेज में ही मैं आपको भिजवा देता हूँ, ठीक है। आपका एडमिशन फाइनल हो जाता है। बाकी अगर आपको एडमिशन चाहिएगा तो बिल्कुल आप संपर्क करिएगा, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ बात कर रहे थे डायट और प्राइवेट की। देखिएगा, इसमें अंतर ये होता है, जैसे आप भाई, हम आपको बता रहे थे भैया डायट व प्राइवेट, ठीक है, मैं अंतर के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं आपको बता रहा था, जैसे आप इलाहाबाद के रहने वाले हैं, ठीक है, और आप प्रॉपर इलाहाबाद के रहने वाले हैं, और खुदा न खास्ता आपको लखनऊ डायट मिल जाता है, आप लखनऊ जाएंगे तो कम से कम आपका 10,000 रुपये पर मंथ पड़ जाएगा, ठीक है। और जो जो डिग्री हमें डायट देगी भैया, वही डिग्री तो हमें प्राइवेट कॉलेज भी देगा, अंतर इसमें कुछ भी नहीं होता। ऐसा नहीं कि आपको यूपीटेट डायट में नहीं देना, आप डायट से कर लिए तो आपको यूपीटेट नहीं देना होगा, नहीं। जो क्राइटेरिया प्राइवेट के लिए वही क्राइटेरिया डायट के लिए है, जो क्वेश्चन पेपर डायट वालों को मिलेगा वही क्वेश्चन पेपर आपको भी मिलेगा प्राइवेट वालों को, अंतर कुछ भी नहीं होता। बस थोड़ी सी मानसिकता लोगों की बदल जाती है फीस को लेकर, भाई फीस इनकी थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है, ठीक है। ये चीजें मैंने अभी आपको पहले बताया, बाकी प्राइवेट की फीस आपको मैंने बता ही दिया कि डायट की फीस क्या होती है, प्राइवेट की फीस क्या होती है, तो आप उस चीज को लेकर डिसाइड करिएगा। अब ये हमसे मत पूछिए कि भैया प्राइवेट, अच्छा यहाँ पर जो है, हालांकि आपकी जो डीएलएड की डिग्री होती है हमेशा रेगुलर होती है, ये अलग का मामला है कि ये प्राइवेट वाले आपको सहूलियत दे देते हैं कुछ थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ पर अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको हर हाल में पर डे क्लास करना ही करना होगा, बिल्कुल कंपलसरी होगा, ठीक है। प्राइवेट में थोड़ा बहुत आपको सहूलियत मिल जाती है, ठीक है। बाकी अगर आपके कुछ डाउट्स हो रहे हैं, कुछ कन्फ्यूजन हो रहे हैं, तो मैंने कॉन्टेक्ट नंबर आपको अभी प्रोवाइड किया है, आप उस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, फिलहाल के लिए उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आई होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।